हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैंने ये 14-15 साल के बॉयज़ का स्वेटर बनाया है। तो ये मेरे पास थोड़ी थोड़ी ऊन बची थी ना, तो ये जैसे इसमें लगभग 600 ग्राम ऊन लगी है और ये 4 ही ऊन में बनाया है मैंने। तो इसमें ये देखो, थोड़ा मैंने ये क्रॉस वाला डिज़ाइन डाला है। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ और इस डिज़ाइन को मैंने कैसे बनाया है ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसमें मैंने कम से कम देखो 61 to 60 कुंडे लगाए, मतलब 121 कुंडे लगाए मैंने, ठीक है। बॉर्डर मैंने पहले ही बड़ी मशीन में बना लिया है, तो मैंने इसमें कुंडे भी बढ़ा दिए। इसमें मैंने बॉर्डर में सिर्फ 92 कुंडे लगाए हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने ऊपर बढ़ाया है इसमें, ठीक है। और अब देखो, मैंने ये कार्ड भी पहले सेट किया हुआ है, इसको पिन से भी स्टिच किया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब मैं ये डिजाइन में पल्ला आपको पूरा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। और मैंने जैसे इसमें इस वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें अब मैं आगे बताऊंगी कि जैसे मैंने इसमें धागा चेंज किया है ना, बेस चेंज किया है बीच में, तो कैसे किया है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखो, डिजाइन स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। यूँ इसको बनाते जाएंगे, जब मतलब जैसे नीडल पीछे हो ना टोटल, तो फिर प्लेन दो सिलाई लगती है ना, फिर देखो दूसरी सिलाई में नीडल निकलती है जैसे, तो फिर हमारा ये कार्ड इस तरह से मतलब चलेगा और ये डिजाइन ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको हम जब तक जैसे हमने दूसरा धागा चेंज नहीं करना है ना, तब तक हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। धागा हमारा खत्म हो गया, तो दूसरा धागा लगाते हैं इसमें, ठीक ऐसे। ठीक है, अब जैसे आप जैसे हमने ये देखो ना, ये यहाँ पे बेस चेंज किया है, ठीक है। तो अब हम इसको धागा चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारी लगभग 48 सिलाई होगी यहाँ तक, तो 48 में मैंने धागा चेंज किया है। ये देखो, ऑफ वाइट हम पहले लगा लेंगे इस तरह से। अब डिजाइन डालने के लिए हम दूसरा धागा ये वहाँ लगाएंगे, ठीक, इस तरह से बनाएंगे। ये सेंटर में आ जाएगा तो बड़ी अच्छी लुक आती है इससे ना। इसको हम मल्टी शेड में बना सकते हैं, तो आगे जैसे थोड़ी थोड़ी ऊन बची होती है ना हमारे पास, तो मैं इसका मल्टी शेड में आगे आपको कभी भी बीच में बताऊंगी ये कि मल्टी शेड में हम कैसे धागा चेंज करेंगे और उसको मल्टी शेड में ये स्वेटर बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा मतलब इस जैसे ऑफ वाइट का बेस और ये डिजाइन के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है।
अब देखो ये देखो, अब जैसे हमारा ये बेस बीच का बन गया ना, अब हमने फिर से जैसे फ्रंट में हमने ये फर्स्ट में नीचे डाला है ना धागा, ये हम इधर अब ये धागा चेंज करेंगे इसको आठ, और ये पहले लगाएंगे हम इस धागे को, ठीक, ऑफ वाइट बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू बनाएंगे जब तक हमारी 124 सिलाई नहीं हो जाती, और 124 पे हम काट देंगे। अब हम 124 पे आर्म होल की काट देंगे, ठीक है। इस तरह से होगी हमारी 124 सिलाई। इसमें काट मैंने 5 4 3 2 1 की दी है, क्योंकि 100 से ऊपर जब कुंडे लगते हैं ना तो मैं 5 4 3 2 1 की काट देती हूँ, ठीक है। अब जैसे आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें जैसे वी गला की काट दी है ना मैंने, इसमें वी गला बनाया है, ठीक है। तो फिर वी गला अगर हम पूरी कंप्लीट काट के बाद करेंगे ना तो कई बार छोटा हो जाता है गला, ठीक है। तो हम जैसे इसमें हाफ काट ले लेंगे पहले, जैसे ये देखो 4 की काट दे लेंगे, ठीक। कुंडे गिर गए हमारे, इसको उठा लेते हैं। यहाँ भी हम 3 के काट देंगे, अब देखो नहीं ये हमारी सिलाई अब प्लेन आई है ना जैसे इसमें, तो इजी हो जाता है थोड़ा ना गले के काट देना, है ना। वैसे तो डिजाइन हो तब भी आराम से डल जाता है, लेकिन वो फिर कभी आगे बताएंगे आपको। अभी तो जैसे प्लेन आई है सिलाई, देखो इतना आसानी से इसमें फिर हमारी वी गले की काट डल जाएगी, ठीक है। तो फिर ये देखो हम जैसे इसका, अब हमने ना पता क्या इसको लिख लेना पड़ता है, आपको इजी रहेगा तो फिर मैं लिख लेती हूँ। जैसे सामने हमारे कार्ड पे कितना है नंबर, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जैसे हाफ करेंगे ना तो वी गले की कार्ड को, तो राइट साइड का तो हम अभी इसको काट लेंगे, मतलब कटाई कर देंगे, फिर दूसरी राइट जो लेफ्ट साइड का है उसमें हम कैसे निकालेंगे, फिर कहाँ से कार्ड चलाएँगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसमें सामने 35 है ना कार्ड में, तो लिख लिया हमने, ठीक है। और हमने जैसे काट भी देनी है 2 1 की, हमारी ड्यू पड़ी है तो वो भी हम बाद में देंगे, ठीक है। तो अब एक वन साइड का हम पल्ला बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ना ये धागा हम कहाँ से चलाएंगे, क्योंकि आगे तो नीडल लॉक है, तो हमने जैसे उस साइड को जब हमारा ये कैच जाएगा इस साइड को तो हमारा डिजाइन निकल जाएगा, देखो नीडल डिजाइन डलेगा, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ लगा दिया ना धागा, तो इससे पता क्या फ़ायदा होता है कि आराम से ना पूरी बुनाई हो जाती है, नहीं तो फिर हमारे को कई काफ़ी आगे जाके ले जाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता था धागा, इसलिए मैंने पहले इसमें नीडल में ही लगा दिया था। अब हम इसको निकाल लेंगे धागे को, और इसको ये देखो हो गया ना, अब ये देखो ईजी हो गया धागा चलाना ना, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एक एक कुंडे की काट भी लेंगे साथ में यहाँ पे, इधर भी हम एक कुंडे की काट देंगे, जैसे एक कुंडे की काट रह गई थी ना 2 1 की, या 2 तो हो गया था अभी पहले, तो 1 रह गया था, फिर इस साइड भी वी गले की काट देंगे, ठीक है। इसमें 8 10 कुंडे हम एक एक करके कटाएंगे, फिर चौथी सिलाई में कटाएंगे, ठीक है। वी गले की काट मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना इसको स्पीड में चला रखा है, थोड़ा सा आप इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब ये देखो धागा ना हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको लगा के रखो, ठीक है। पता क्या है, तब जैसे इस साइड नीडल लॉक है, फिर काफ़ी आगे जाके
कैच में धागा लगाना पड़ता है, इसलिए पहले लगा के रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आराम से बुनाई भी होती है और थोड़ा जल्दी भी बुना जाता है। ठीक है, ऐसे ठीक चार चार सिलाई बाद हम एक कुंडा घटाएंगे ना। ठीक है ना, इस साइड से, इस साइड से तो इजी लग जाता है ना धागा। ये जब तक हमारे मोड़े में ना 25 कुंडे रखे हैं मैंने इसमें, तो तब तक हम इसकी इसमें कुंडे घटाते रहेंगे जब तक हमारे 25 कुंडे नहीं बजाते। और इसकी लास्ट है, मैंने इसमें टोटल सिलाई है ना 193 रखी है, वैसे तो 191 तक डिजाइन है प्लस 293, और जैसे पीछे के पल्ले में 193 रखे ना, तो इसमें दो मैं हमेशा ही एक्स्ट्रा रखती हूँ हर एक पल्ले में दो में, ताकि मोड़े को जोड़ने के में वो धागा काम आ जाए। गिनो कितने बच्चे कुंडे, तुम्हारे 25 कुंडे बच्चे हैं मुड्डे को। ठीक है, हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और हमारी सिलाई भी कंप्लीट होगी। तो फिर अब इसमें हम दो तीन सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे बस। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम, जैसे हमने राइट साइड का पल्ला बनाया ना ये, तो अब लेफ्ट साइड का भी हम इजी बना लेंगे। देखो हमारी वी शेप की काट। ठीक है, अब इस साइड को हम देखो कैसे बनाएंगे इसको, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इसका, ताकि हमारा कार्ड भी और डिजाइन भी बिल्कुल सेम सेम आए। ठीक है, तो फिर अब देखो हमने जैसे में लिखा है ना, ये मैं तो लिख लेती हूँ ना। ठीक है ना, तो सामने जैसे कार्ड था हमारा 35 था। ठीक है, तो हम 35 पे सेट करेंगे कार्ड को। ठीक है, और नीडल तो कोई आगे नहीं थी, नीडल आगे होती तो वो भी हमारे को निकालनी पड़ती है ना, पर जैसे प्लेन में था तो हमारे को ये बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सेंटर का बटन दबाते हैं ना। ठीक है, डिजाइन हमने चालू कर दिया हमने, और फिर देखो इस तरह से लाए। ठीक है, और देखो कार्ड चल पड़ा ना खुद ही, तो यहीं से हमारा डिजाइन, यहाँ पे हमने दो की कार्ड देनी थी तो हम इसमें दो की काट देंगे। इस साइड ना हमारी आर्म होल की काट रह गई थी, उसको कंप्लीट कर लेंगे और डिजाइन भी साथ। अब दबाएंगे हम इसको बटन को इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस साइड वी गले की काट देंगे। ठीक, ऐसे ये हमारी आर्म होल की काट कंप्लीट होगी। अब हम वी शेप की काट देंगे बस, उसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम एक एक घटाएंगे और फिर चौथी सिलाई में घटाएंगे, है ना। ठीक है, 5-7 कुंडे घटा लेंगे ना एक एक, फिर चौथी सिलाई में एक एक कुंडा घटाएंगे, और जब तक हमारी सिलाई कंप्लीट नहीं हो जाती और मोड़े में 25 कुंडे भी बच जाते तब तक हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं कंप्लीट हो करके बताती हूँ आपको। ये देखो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें प्लेन सिलाई लगा देते हैं दो तीन और इसको निकालते हैं। ठीक है, ये साइड हमारा, इस साइड का पल्ला भी कंप्लीट हो गया, ये वी कलर की काट भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बन के आया है। ये देखो हमारा इस तरह से पल्ला बन के आया है। ये देखो वी गले की काट। ठीक है, ये देखो वी गले का स्वेटर और ये पल्ला हमारा। ठीक है, और ये डिजाइन देखो, और ये देखो पीछे का पल्ला इस तरह से बना है सेम डिजाइन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना,
नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।